जब पूरा आटा आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, तो लास्ट में ये परात में ये वाला घी डाल के वो जो फिनिशिंग वाला मुक्की मुक्की देते हैं वो करना। ये बनी है क्योंकि आपने घी डाला है, कोई इशू तो नहीं है ना? कोई इशू नहीं है, खाली आपने या है ना, तो आई डोंट बिलीव दैट यू डोंट नो हाउ टू कुक। ही इज रेडी फॉर बिग बॉस। शट अप। तो सिखा दिया था कैसे बनाते हैं, तो क्या क्या पड़ता है उसमें देखो। हाँ जी, हाँ जी, आपके ब्लॉग में रेसिपी, आप ही इंग्रेडिएंट्स बताइए। तो मुझे पता है यार, इतना तो मैं देखता रहता हूँ। और लाफ्टर शेफ देख के हम और ज्यादा एजुकेट होते जा रहे हैं ना। ये पुदीना, ये पालक, ये धनिया पत्ती, एप्पल, ये आंवला, नींबू, खीरा, अदरक और मसाले। गरम मसाला ये जीरा पाउडर, ठीक है ना? वो सारे मसाले एकदम से सेम होते हैं। मेथी से क्या होता है? फ्लेवर आता है, ज्यादा भी नहीं डाल सकते वरना कड़वा हो जाता है। बढ़िया। हाँ भजी खाते रमजान में क्या रहती है? आप श्योर हो ना आप ये करोगे? ट्राई करता हूँ, कभी किया नहीं। हाँ तो ये स्प्लैटर होगा। हाँ और थोड़ा दूर रह के करना, डालना और ढक देना। हाँ करो, गरम ज्यादा हट जाएगी। कड़छी को अंदर ऐसे करो, हाँ, हाँ। तब तक ठंडा हो जाएगा, जल्दी करो। तो अंदर ही छोड़ दिए। वेरी गुड वेरी गुड, बंद करो अभी उसको। मुझे तो इसलिए चला दूंगा, मिक्स कर दूंगा। तो कर देते, वही तो कर रहा, तुम हटा दी मुझे। इसका मुद्दा ये होता है कि आप तुरंत बंद करोगे तो उसके फ्लेवर जो है वो अंदर रह जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत सही नहीं, अच्छा किया, वेरी गुड, ठीक जाएंगे। तो ये रही कड़ी माशाल्लाह, और ये है रेहान मेरे साथ में। आजकल के ब्लॉग में शोएब इब्राहिम ज्यादातर किचन का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने जैसा कि दीपिका के मुंह से भी सुन लिया है, दीपिका ने मजाक में ही सही लेकिन ये कहा है कि शोएब ये सारी तैयारियां जो हैं बिग बॉस में जाने के लिए कर रहे हैं। शोएब अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं पहले ही, क्योंकि वो बिग बॉस में नजर आने वाले हैं। लेकिन ये दीपिका की तरफ से एक मजाक सा लगा, फिर भी उनके फैंस जो हैं सारे लोगों का यही कहना है कि वो शोएब इब्राहिम को बिग बॉस में ज़रूर देखना चाहेंगे। तो अगर आप भी यही चाहते हैं तो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या आप शोएब को बिग बॉस में देखना पसंद करेंगे? और जो शोएब अपनी तैयारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये खबर सच्ची है या फिर ये सिर्फ एक मजाक था?